भारत की महान पौराणिक कथाओं का संग्रह। सब्सक्राइब करें भक्ति कथा। शिव भक्तों के रखवारे जय भोलेनाथ। मिट्टी से इंसान बनाए, सुखी पवन से प्राण बनाए, तेरे चरण पकड़ कर मानव पापों को ललकारे जय भोलेनाथ। का हुआ गिरिराज तुम्ही पर, मान करे ऋतुराज तुम्ही पर, सच्चे हो तो तुम्हें प्रभु जी बंजारे भी प्यारे जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ कैलाशनाथ शिव भक्तों के रखवारे जय भोलेनाथ। कैसी अच्छी जोड़ी है। अरे कुछ मत पूछो बहन, कुछ मत पूछो। देखते हो रामू, अगर यही हाल रहा तो कल तुम्हें कोई दो कौड़ी को भी नहीं पूछेगा। क्यों भाई पहाड़ी? अरे और क्या, बुड्ढे की तो अकल मारी गई है कल। वो सिन्हा को सरदार बना देगा और बेचारा रामू मुंह ताकते ही रह जाएगा। मुझे समझा क्या है, अगर इस कांटे को रास्ते से अलग ना किया तो मेरा नाम रामू नहीं ना। लगे घूंघट ना खोल बाल माँ,
लगे घूंघट ना खोल, लाज लगे घूंघट ना खोल बाल माँ, लाज लगे घूंघट ना खोल। मुख से जो बोलोगे सुन लेंगे सखियाँ, मुख से जो बोलोगे सुन लेंगे सखियाँ, अखियों के बोले में बोल बाल माँ, लाज लगे घूंघट ना खोल। के परे क्यों मुझको देख डरी, शादी की रंग भरी रात है, हाय छेड़ो मुझको न सनम, पूरी होने दो रसम, दिल तुझसे तेरी कसम भाग ले, दे दे मेरे मुखड़े का मोल बाल माँ, लाज लगे घूंघट ना खोल, लाज लगे घूंघट ना खोल बाल माँ, लाज लगे घूंघट ना खोल। ओ ऊंची नीची है डगर देखो, लचके न कमर मेरा, तुम्हारा सफर दूर था, हाय कानों में बात करो, हाथों में हाथ धरो, तब जाके साथ करो दूर का, टूटी जरा दिल को टटोल बाल माँ, लाज लगे घूंघट ना खोल, लाज लगे घूंघट ना खोल बाल माँ, लाज लगे घूंघट ना खोल। झुमक झुमा झुम झनन झुम के झुमा, झुमक झुमा झुम झनन झुम के झुमा। But
तक नाचती जाऊं, गा के अकेले प्रभु किसको सुनाऊं, गा के अकेले प्रभु किसको सुनाऊं। कैलाशनाथ जी, नई देवदासी का नृत्य देखकर बहुत आनंद हुआ। अब हमें आज्ञा दीजिए। जाइएगा मुखिया जी, कल्याण। श्यामा, रानी, आज पहले ही दिन तुम्हारा नृत्य देखकर भगवान नटराज बहुत प्रसन्न हुए। अहो भाग्य। ठहरो, मैं विशेष रूप से तुम्हारे लिए मंगल आरती करता हूँ प्रभु की। पार्वती जी के गले का हार देखा, कितना सुंदर है। आहा, इसमें तो हीरे जड़े हैं बेटी, हीरे। माँ, काका जी मुझे दीजिए, मैं देता हूँ। हट जा, जानता नहीं मंगल आरती देने का अधिकार प्रधान पुजारी का है। अब हमें आज्ञा दीजिए। रानी, तुम्हारा रूप और लावण्य देखकर कितना आनंद आता। किसे आनंद होता है काका जी? कैलाशनाथ को, और किसे? ओह, कैलाशनाथ को। चुप रह, बकवास बंद कर। अच्छा, तो हम चले शास्त्री जी। शास्त्री जी, कैलाशनाथ परिपूर्ण अनुग्रह प्राप्ति रस्तु, प्राप्ति रस्तु, प्राप्ति। महादेव। काशी, तू घर जा, मैं आता हूँ। क्यों काका जी, आज ये उल्टी रीत कैसी? हम दोनों साथ ही चलेंगे। आज मुझे बहुत जप करना है, भजन करना है, पूजा करनी है। काका जी, तू जा। महादेव, महादेव, महादेव। कौन है? शास्त्री जी, आइए पधारिए। अरे यो रानी, देख तो सही कौन आए हैं। बिराजिए शास्त्री जी। अरे रानी, खड़ी क्या है? यहाँ आ बेटी। शास्त्री जी को प्रणाम कर। शास्त्री जी, कैलाशनाथ परिपूर्ण अनुग्रह प्राप्ति रस, प्राप्ति रस। कहिए प्रभु, दासियों पर कैसे कृपा की? तुम लोग प्रसाद लाना भूल गई थी, मैं स्वयं ही ले आया। ले रानी। देखती है रानी, श्री कालहस्तीश्वर के प्रधान पुजारी
हमारे द्वारे प्रसाद देने आए हैं। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। सुनिए तो, आज मैं भी साथ चलूंगी। ए? मेरे साथ क्यों? हाँ, मुझे अकेले सोना लगता है। पगली कहीं थी, तू कहाँ भटकेगी मेरे साथ जंगल में? और तू तो 3 दिन की भूखी भी तो है। तू तो आप भी है ना 3 दिन के भूखे, और जंगल क्या आपके लिए जंगल नहीं? ओ मीरा, स्वामी आप मेरी चिंता न करें, मैं यहाँ अकेले में भी प्रसन्न रहूंगी। आप जाएं। नीला। हाँ स्वामी, किंतु सोचिए तो सही, आप भी भूखे प्यासे कब तक ऐसा कष्ट उठाएंगे? नीला, मुझे अपनी थोड़ी भी परवाह नहीं, पर दुख इस बात का है कि मेरे होते हुए भी तो 3 दिन से भूखी है, ये मुझसे सहा नहीं जाता। नीला। नहीं स्वामी, आप मेरी बात इस तरह न सोचे, जाइए। नीला। स्वामी। ओंकार शिव हर रुद्रदेव हर 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 महादेव हर हर हर। हाँ, ओम श्री गणेशाय नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा कैलाशनाथम्, पतिरस्तु परमो देवः, पतिसेवा परमं पदम्। गौरी, संसार के सब शास्त्र पुराण और इतिहास का निचोड़ क्या है? पति की सेवा। हाँ, पति तुम्हारे लिए क्या है? साक्षात परमेश्वर। हाँ, साक्षात परमेश्वर। अच्छा गौरी, पति के रूप में मुझे पाने के लिए तुमने कितने जन्म तपस्या की होगी? तपस्या? ठहरो, मैं बताता हूं। हाँ, पूरे 8 जन्म। तभी काकी के 8वें स्थान में शनिचर बैठा है। गौरी, तुम्हारी सबसे बड़ी मनोकामना क्या है? कि जन्म जन्मांतरों में आप ही मेरे स्वामी हो। अरे बाप रे, क्या इस एक जन्म में मनोकामना पूरी नहीं हुई? हाँ, तुम्हें मेरे सिवा किसी और का मुंह भी नहीं देखना चाहिए। और आप रानी का मुंह तका करें। किसी दूसरे से बात भी न करनी चाहिए। और आप देवदासियों से घुल घुल कर बातें करते रहें। नित्य भगवान से पति की कल्याण कामना करो। ओहो, क्योंकि तुम्हारे पति के कल्याण में रानी का कल्याण है। अच्छा गौरी, अब दूसरा अध्याय सुनो। दूसरा अध्याय? हाँ गौरी। काकाजी, काकाजी। क्या है रे? महादेव जी ने अभी आपको बुलाया है। क्या? आपको बुलाया है मंदिर में, जाके देखिए। भगवान यूं खड़े हैं, यूं, बस तीसरा नेत्र खुलने ही वाला है काका जी। हाय हाय। चुप रह तू, क्या बकवास करता है? भगवान तुझसे बातचीत कर रहे आए थे, दुष्ट। नहीं नहीं सुनिए, आप रोज भगवान से बातचीत करते हैं, हो सकता है आपके नाते आज भगवान काशी से प्रसन्न होकर बोले हो। लीजिए, सुना आपने काका जी, बेचारी काकी एकदम गौ है, और आप ऐसी निर्मल आत्मा को रात दिन सताते हैं। काशी, मुझे कह लेने दो काकी। काका जी, अगर आप काकी का आदर करना सीख जाए तो आपका जन्म सुधर जाए। नहीं नहीं काशी, तू ये क्या कहता है? ठीक कहता हूँ काकी, सबसे पहले तो इस मनगढ़ंत कहला सुना सड़ा कर देखना चाहिए। क्या कहा? ठहर जा भागे। गौरी जाओ, अंदर जाओ। शिव शंभू।
अगर भगवान की दया होती तो दादाजी हमें क्यों निकाल देते, क्यों हम इस तरह भूख की आग में तड़प तड़प कर मरते। स्वामी उन पर विश्वास करें। विश्वास? अगर विश्वास ही करना है तो मैं अपनी भुजाओं पर करूंगा, तुम्हारे भगवान पर नहीं। वो अंधा है, बहरा है, निष्ठुर है, पत्थर का दिल है उसका। तुम्हें आज क्या हो गया है? मैंने भगवान की कृपा से तुम्हें पाया, तुम्हें मानू और उन्हें न मानू, ये कैसे हो सकता है? नीला। हाय भगवान। फिर वही भगवान। लहू
नीला, नीला, मुझे माफ कर दो। शांत हो स्वामी, इस तरह नहीं घबराते। जाओ, अब देर न करो। जाओ, ये देखो, मैं बहुत अच्छी हूँ। अंधा कहीं का, आँख खोलकर नहीं चलता। अरे मैं तो आँख खोलकर ही चल रहा था, तुम ही कहीं और ताक रहे थे। शिव 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 शिव, नहा धोकर चला था, छूकर भ्रष्ट कर दिया, अंधा कहीं का। फिर वही। जान डाल कहीं का, मुझे जानता नहीं। अगर जानता होता तो अवश्य क्षमा मांगता। शिव 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 शिव। शास्त्री जी आइए, पधारिए। क्या हुआ शास्त्री जी, कोई चोट लगी? चोट? कैसी चोट? हाँ, चोट तो उसे आई। किसे शास्त्री जी? तुम नहीं जानती, एक गंवार था, झूठ मूठ मुझसे उलझ पड़ा। फिर क्या, एक घूसे में मैदान छोड़कर भाग गया। ओ, तो घूसा उस हाथ से दिया और दर्द हो रहा है इस हाथ में। जाने दीजिए, बैठिए बैठिए। श्यामा, आज कुछ सूना सूना लग रहा है। अब सूना कहाँ है शास्त्री जी, अब तो आप आ गए। आहा, त्रिपुर, ये रुद्राक्ष, ये पीतांबर, कितने अच्छे लग रहे हैं आप शास्त्री जी। श्यामा, ये लो, रानी कहाँ है? अरे ओ रानी, कहाँ गई पगली, बड़ी शर्मिली है। देख बिटिया, मैं कमला के यहाँ जा रही हूँ। हाँ जाओ जाओ जाओ। रानी। शास्त्री जी। कल्याण। क्या हुआ शास्त्री जी? कुछ नहीं कुछ नहीं, रास्ते में एक डाकू से मुठभेड़ हो गई थी। डाकू? हाँ हाँ, तीर कमान बांध कर तुम्हारे यहाँ डाका डालने आया था। मैंने कहा ठहरो बच्चा राम, आज कैलाशनाथ शास्त्री से पाला पड़ा है। आंख बंद करके रुद्रदेव को पुकारा, ओम शिव हर रुद्रदेव। रानी, रानी कहाँ हो तुम? यहाँ हूँ शास्त्री जी। रानी, आंख मिचौली न खेलो अपने शास्त्री जी से। फिर क्या हुआ शास्त्री जी? किसका क्या हुआ? उसी डाकू का। डाकू का? रानी, रानी। भगवान, भगवान, भगवान का नाम लेते हुए तुझे शर्म नहीं आती? तुम्हें आज क्या हो गया है? मैंने भगवान की कृपा से तुम्हें पाया, तुम्हें मानो और उन्हें न मानो। भगवान, 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 भगवान मिल जा सामने, हमको कभी जो राह में, तुझको मिटा दे हमी, या तू मिटाता जा हमें। जिसे बनाना उसे मिटाना काम तेरा, मिटने वाले फिर क्यों लेंगे नाम तेरा।
मिटने वाले फिर क्यों लेंगे नाम तेरा। बनाना काम तेरा, सब्र करेंगे हम ले लेकर नाम तेरा, सब्र करेंगे हम ले लेकर नाम तेरा। धरती का घर भरा फूल से, तारों से आसमान का, भर गए भर न सका तू पेट एक इंसान का। धरती का घर भरा फूल से, तारों से आसमान का, सागर भर गए भर न सका तू पेट एक इंसान का। जब हो जाए सारा खेल तमाम तेरा, मिटने वाले फिर क्यों लेंगे नाम तेरा। जिसे बनाना उसे मिटाना काम तेरा, मिटने वाले फिर क्यों लेंगे नाम तेरा। इंसानों के लिए उजाला करता घर आसमान का, इंसानों के लिए उजाला करता घर आसमान का। सुख देकर मुख देखे तू ही, दुख देखे इंसान का, प्रभु दुख देखे इंसान का। भरा हुआ मतलब से खेल तमाम तेरा, सब्र करेंगे हम ले लेकर नाम तेरा। जिसे मिटाना उसे बनाना काम तेरा, सब्र करेंगे हम ले लेकर नाम तेरा। चांद दिखा कर तूने समझा दुनिया सारी बन गई, पर झोपड़ियों में तेरी पूनों क्यों अंधियारी बन गई। चांद दिखा कर तूने समझा दुनिया सारी बन गई, पर झोपड़ियों में तेरी पूनों क्यों अंधियारी बन गई। इंसानों के घर से दूर मुकाम तेरा, मिटने वाले फिर क्यों लेंगे नाम तेरा। जिसे बनाना उसे मिटाना काम तेरा, मिटने वाले फिर क्यों लेंगे नाम तेरा। जो कुछ भी लिख देता है बन जाती तकदीर है, तू जो कुछ भी लिख देता है बन जाती तकदीर है। तेरी दया हो तो दुनिया में फिर काहे की पीर है, प्रभु फिर काहे की पीर है। क्यों रो रो के नाम करें बदनाम तेरा, सब्र करेंगे हम ले लेकर नाम तेरा। जिसे मिटाना उसे बनाना काम तेरा, सब्र करेंगे हम ले लेकर नाम तेरा। Thank you.
मैं पागल तो नहीं हो गया? ठहरो भाई ठहरो, मैं जानवर नहीं आदमी हूं। हाँ कभी कभी आदमी जानवर से भी बदतर हो जाता है, मगर भगवान की दया हुई तो देवता भी बन जाता है। भगवान? तो क्या तू भी भगवान का बंदा है? हट जा मेरे सामने से, नहीं तो जान से मार डालूंगा। मार डालोगे मुझे? बेशक मार सकते हो, मगर मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। अरे बहुत देख लिया मैंने तेरे उस बचाने वाले को। कभी मैं भी उस पर भरोसा रखता था, पर जानते हो क्या फल मिला मुझे उसका? निर्दोष होते हुए भी मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया। जो अपने थे उन्होंने मुझे ठुकरा दिया, और आज मैं भूखा प्यासा इस जंगल में मारा मारा फिर रहा हूं। मेरी भोली घरवाली, मेरी भोली घरवाली सोनी झोपड़ी में दाने दाने को तरस रही है। इस तरह मुझे से इंसान को अपने पांव तले कुचलने वाले निर्दय भगवान के सामने सर झुकाना क्या इंसानियत का अपमान नहीं? भगवान भी भक्त के साथ साथ उसका दुख झेलते हैं बेटा। आहा, उनकी तुम पर बड़ी दया है, वे तुम्हें भूले नहीं हैं, तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। अरे भाड़ में जाए ऐसी परीक्षा और परीक्षा लेने वाला। ऐसा नहीं कहते बेटा, जो भगवान सुख के रूप में आते हैं वही भगवान कभी दुख के रूप में भी आते हैं। एक को गले लगाओगे और दूसरे को ठुकरा दोगे? अरे जा जा बकवास करता है। आज 3 दिन से मैं इस जंगल में भटक रहा हूँ, एक चिड़िया भी हाथ नहीं आई। क्यों, कहाँ गए सब जंगल के जानवर? मैं बताऊं तुझे, ये सब तेरे भगवान का काम है। भगवान का काम? हाँ बेटा तुम बड़े भगवान हो, ये सब भगवान की लीला है। लीला? लीला? अरे मैं पूछता हूँ कि पेड़ भर जाएगा इस लीला से, भूख मिटेगी हमारी? हाँ बेटा, बखत आने पर तुम्हारी भूख जरूर मिटेगी। दुनिया का हर प्राणी किसी ना किसी भूख से बेचैन है, उसकी सारी भूखें मिट जाने पर भी कोई एक अजीब भूख बाकी रह जाती है, और वो भगवान की कृपा के बिना नहीं मिटती बेटा। भगवान भगवान भगवान, सुनते सुनते मैं तंग आ गया। बड़ा ज्ञानी आया है, तू है कौन? मैं? बेटा कोई मुझे शिव कहता है, कोई शंकर, तुम चाहो तो भोला कह लो। भीख मांग के पापी पेट को भरता हूँ, क्या करूँ? मेरे जैसे बूढ़े को कोई नौकर भी तो नहीं रखता, ना हो तो तुम्हें मुझे नौकर रख लो। क्या कहा, मैं नौकर रखूंगा? अरे भाई तेरे भाग अच्छे हैं, कम से कम भीख तो मांग लेता है। अच्छा बेटा, जैसी भगवान की मर्जी। फिर वही भगवान, हट जा मेरी आंखों के सामने थे। माया के हिरणों के पीछे मूर्ख मत हो हैरान, मूर्ख मत हो हैरान, जो सुख चाहे तो दुख से गुजर, इंसान समय पहचान, इंसान समय पहचान। संसार बनाया है जिसने, ना अंधा है ना बहरा है। संसार बनाया है जिसने, ना अंधा है ना बहरा है। तारे चमके या दिए बुझे, दुनिया में उसी का पहरा है। भक्तों के घर मेहमान वही, भक्तों के घर मेहमान वही, दुखियों के घर जजमान। जो सुख चाहे तो दुख से गुजर, इंसान समय पहचान, इंसान समय पहचान। Thank you.
साक्षी वापस कैसे आ गया? तू मंदिर नहीं गया? ना। क्यों? हुआ क्या है बेटा? बता बता। मुझसे कुछ मत पूछो, मेरा जी अच्छा नहीं। रानी, वहां पर बैठी तुम कितनी अच्छी लग रही हो, कुछ गाओ तो सही। नहीं लाए शास्त्री जी, कुछ बता तो सही, क्या बात है? बातें तो बहुत सी हैं काकी, मगर मैं तुमसे सब कुछ नहीं कह सकता, ना तुम्हारा जी दुखेगा। क्या हुआ बेटा? होगा क्या, वो उल्टी राह चलते हैं, मुझसे सहा नहीं जाता। कौन चलते हैं उल्टी राह? काका, और कौन? नहीं नहीं काशी, उनकी बुराई ना कर, वे मेरे लिए साक्षात परमेश्वर है। परमेश्वर? काकी, तुमने सुना नहीं है क्या? जहर सांप का दांत में, गीदड़ का आंत में, धामन का पूछ में, कायर का मूछ में, भिक्षू का डंक में और पापी का अंग अंग में। और तेरा कहाँ है? बोल, कहाँ है तेरा विष? मेरा विष? हाँ। उसे आपके विष ने मार दिया। क्या कहा? तेरी ये हिम्मत?
गूंगा हो गया है? स्नान कर लिया? नहीं, क्या मैंने तुझसे नहाकर मंदिर जाने के लिए नहीं कहा था? कहा था तो फिर जा, जा सीधा मंदिर जा, नहाने वहाने की जरूरत नहीं, जा। जी नहाना। कहता हूं जाओ पुत्र रत्न, वैसे ही दिव्य दिख रहे हो, लोग समझेंगे नहाकर ही आए हो, जाओ। भगवान तो सच बात जान लेंगे। अरे भगवान की तुम, भगवान के जानने न जानने से क्या होता है, लोगों का जानना न जानना ही प्रधान बात है। ये तो भगवान को धोखा देना हुआ। भगवान कोई ढिंढोरा पीटने नहीं जाते। हाँ हाँ, भगवान ढिंढोरा पीटने तो नहीं जाते। काशी काका जी, सारा गांव आपको धर्मात्मा कहता है। यदि आप इसी तरह दुनिया को धोखा देते रहे तो याद रखिए आप कभी सुखी न होंगे। काशी सुनिए। क्या काशी ने तो आज सदर ही। जाओ भीतर जाओ काशी की सगी। गौरी, पति तुम्हारे लिए क्या है? साक्षात परमेश्वर। हाँ जाओ। ये क्या?
चलो तुम रहती तो अच्छी जगह मिल करो दीन बंधु, कौन जाने वो कहां है, वो कहीं भी होना, उन पर अपनी दया की छाया करना, उनके दुख हरना, हे दीन बंधु, हे दया सागर, उनके हर कांटे को फूल बना देना, प्रभु युग में महादेव जी ने किरात बनकर अर्जुन से युद्ध किया था तो क्या आपके प्रभु किरात का अवतार लेकर मुझसे लड़ने आए हैं? नहीं नहीं काशी, तू तो बुद्धू ही रहा, भला भगवान तुझसे क्यों लड़ेंगे? हे परमपिता, आप किससे लड़ने आए हैं? अभी अवतार पूरा नहीं हुआ। नहीं तो प्रभु कुछ बोलते तो सही। ओ, आप समझा, प्रभु काका जी से लड़ने आए हैं। क्यों देव, अनाचार सहा नहीं गया? बोलो, बोल नहीं सकते तो सिर ही हिला दो। अंबुज गरीब पर क्यों गरजते हो स्वामी? कौन है तू? हैं? कौन हूं मैं? हाय प्रभु, आपकी इतनी सेवा की और आप अब तक मुझे नहीं पहचानते। मैं हूं काशी, आपका दास। मेरा कोई दास वास नहीं, उठ। है किरात भगवान, हे भगवान। भगवान कौन है? भगवान कौन है? भगवान तू यह अवतार नहीं है। हाय प्रभु, अब मैं इसका क्या जवाब दूं? अरे बड़बड़ाता क्या है, किधर है तेरा भगवान? वो है भगवान, दिखाई नहीं देते। तू इसे भगवान कहता है? ये तो पत्थर है। पत्थर? हाँ हाँ पत्थर। अरे अरे सुनो भाई सुनो, जिसके हृदय में भक्ति नहीं उसके लिए पत्थर ही है, मगर जिसने प्रेम का प्याला पी लिया उसके लिए वो साक्षात भगवान है। भगवान तब उनसे जो मांगोगे मिल जाएगा। सच कह रहा है तू? मांगने से मिलेगा? भले आदमी, मांग कर ही क्यों नहीं देख लेता। ठीक है, मुझे शिकार चाहिए। शिकार? हाँ हाँ शिकार। हाय हाय, तीन लोग के राजा धीराज के दरबार में तूने मांगा भी तो क्या मांगा? बकवास बंद कर, अगर भला चाहता है तो अपने भगवान से जल्दी शिकार मांगा। हे दीन बंधु, अब मैं क्या करूं, मेरी लाज रख लो प्रभु। बैठो। शिकार मिलेगा कि नहीं? मिलेगा बाबा मिलेगा। हाँ तब बैठो। मैं जैसा कहूं वैसा। पालथी मारकर बैठ जाओ। क्या? पालथी मारकर बैठ जाओ। पालथी मारकर बैठ जाओ। हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो। हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो। अरे भैया तू अपने हाथ जोड़, अपनी आंखें बंद कर।
अरे भैया तू अपने हाथ जोड़, अपनी आंखें बंद कर। क्या मुसीबत है, क्या मुसीबत है? अरे कहां जा रहा है तू? जान से मार डालूंगा मैं। हे प्रभु, आज सवेरे उठकर काका जी का मुंह देखा था, क्या इसीलिए आफत आ गई? ए, जल्दी शिकार मांगा। मैं शिकार कहां से लाऊंगा? कौन जो देने वाला है उससे तुम मांगो तो सही। ये हाँ हाँ ये हाँ यो, सुनते हो? मैंने कहा शिकार लाओ, शिकार दोगे तो मैं सच कहता हूं आधा हिस्सा तुम्हारा। क्यों भाई? अगर शिकार नहीं मिला तो मैं तुम्हारी हड्डी पसलियां कर दूंगा। अरे भैया, अरे भले आदमी, सुन तो सही। तू क्या धमकी देकर लगान वसूल करने आया है? कालहस्तीश्वर, क्षमा करो, क्षमा करो कालहस्तीश्वर। क्या कहा? कालहस्तीश्वर, इस मंदिर के देवता। हाँ, कभी कालहस्तीश्वर महात्म्य पढ़ा होता तो जानते, प्राचीन काल में एक मकड़ी, एक सांप और एक हाथी ने इनकी सेवा करके मोक्ष पा लिया था। अरे भाड़ में जा तेरा मोक्ष, मैं शिकार मांगा और तू मोक्ष की बात कर रहा है। तो कातर होकर भक्ति के साथ प्रभु से याचना करो। है? हाँ, कातर होकर भक्ति के साथ प्रभु से याचना करूं? हाँ, अरे क्या बकवास कर रहा है तू? तो प्रभु का नाम ही जपो, प्रभु हृदय का प्रेम पहचानते हैं। सुन, ये प्रेम से मैं भगवान का जप नहीं कर सकता। अरे भैया, प्रेम से कौन नाम जपता है? फिर प्रेम तो नाम जपते जपते आता है, रीझ के नहीं तो खींच के जपो। खेत का बीज उल्टा पड़े चाहे सीधा, पानी पड़ने पर अंकुर आता ही है। सब यही बकवास करते हैं, सीधी तरह मुझे कोई नहीं बताता कि मैं क्या करूं। अरे भाई, मैं बता तो रहा हूं। क्या बता रहा है तू? बैठो, बैठ, तू बैठ, मैं भी बैठ। हां कहो, क्या? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। कहलाने वाले भूखे तो जिया ना जाए तेरी दुनिया में, ओ दुनिया के मालिक कहलाने वाले भूखे तो जिया ना जाए तेरी दुनिया में। धर्म न समझूं पाप न जानूं, पेट भरन को जीवन मानूं। धर्म न समझूं पाप न जानूं, पेट भरन को जीवन मानूं। ये सब खेल तुम्हारा है तो, तुम्हें खिलौना प्यारा है तो, फिर क्यों
ओ जन्म मरण का खेल रचाने वाले, जीने भी दिया ना जाए तेरी दुनिया में। ओ दुनिया के मालिक कहलाने वाले, भूखे तो जिया ना जाए तेरी दुनिया में। सुख से बैठी दुनिया सारी, मरे भूख से एक शिकारी। सुख से बैठी दुनिया सारी, मरे भूख से एक शिकारी। ये दरबार तुम्हारा है तो हर कोई तुमको प्यारा है, तो फिर क्यों सर से गंगा की धार बहाने वाले, आंसू ही पिया ना जाए तेरी दुनिया में। ओ दुनिया के मालिक कहलाने वाले, भूखे तो जिया ना जाए तेरी दुनिया में। जग ने तुमको शंकर माना, मैंने तुमको पत्थर जाना। जग ने तुमको शंकर माना, मैंने तुमको पत्थर जाना। दो शिकार तो तुमको शंकर मानूं, दो शिकार तो तुमको शंकर मानूं, दो शिकार तो तुमको शंकर मानूं, तुमको शंकर मानूं, तुमको शंकर मानूं, तुमको शंकर मानूं, शंकर मानूं, शंकर मानूं। भूले देखो, शिकार मिल गया भोले, देखो ये देखो शिकार मिल गया। तुम पत्थर नहीं, तुम साक्षात भगवान हो। जीजा ने सच कहा था, काशी ने सच कहा था, बूढ़े ने भी सच कहा था, पर आज मेरे जाना भोले, तुम्हारे नाम में कैसा जादू है। भोले तुमने अपनी बात रख ली, ये लो मैं भी अपनी बात रखता हूँ। खाओ खाओ भोले, खाओ खाओ ना। इसका तुम कैसे खाओगे, क्या करोगे। अच्छा भोले मैं इसे पका कर रहा था, अभी आया। भोले ठहरो, भोले नहीं खाओगे, मेरे सामने नहीं खाओगे। चलो मैं जाता हूं। भोले जाओ, भोले मगर तुम्हें छोड़कर जा भी नहीं जाता, क्या करूं। अच्छा मैं कल आऊंगा, नहीं नहीं मैं रोज आऊंगा, मैं रोज आऊंगा। अच्छा कितनी सर्दी है भोले, तुम्हें भी तो ठंड लग रही होगी। अब मैं क्या करूं। अच्छा ठहर, ये भोले अब तो ठीक है ना। भोले कितना प्यारा नाम है तुम्हारा। आज जाने किस बुरी घड़ी में घर से निकला था,
बहनों के पुण्य प्रताप से बच गया। काशी काशी, अरे बाप रे, फिर आ गया। सुनो तो बेटा, डरते क्यों हो? क्या है जी, बुलाते तो ऐसे हो जैसे जन्म भर से जानते हो। हाँ बेटा, एक जन्म से नहीं, जन्म जन्म से जानता हूँ। अरे मैं कोई आज का हूँ? हाँ ये तो बताओ, दीना कहाँ रहता है? कौन दीना? वही किरात दीना, मेरा मालिक। तुम्हारा मालिक है वो? बड़े रसिया हो बाबा, तुम्हें भी चाकरी करने को कौन मिला? वो तो आप मलंग है, किसी को क्या देगा? सब कुछ दे दिया बेटा, उसने क्या नहीं दिया। ऐसे मालिक की चाकरी मुझे बहुत भाती है। अच्छी बात है बाबा, तो करो उसकी चाकरी, हमें क्या, मुझे नहीं मालूम वो कहाँ रहता है। अच्छा बेटा, किसी और से पूछ लूंगा। बहुत भारी है बाबा, लाओ कुछ दूर मैं लिए चलूं, तुम बूढ़े आदमी हो ना। बेटा रहना दो, लाओ तो सही। अरे बाप रे, मर गया बाबा। जिसका बोझा वही उठाए, कोई दूसरा नहीं उठा सकता बेटा। जान निकल गई बाबा, क्या है तुम्हारी इस गठरी में? इसमें क्या नहीं है, दाना पानी कपड़ा लत्ता गहना गुड़िया पैसा धेला पाप पुण्य। पाप पुण्य? हाँ बेटा, तभी तो तुम्हें दे नहीं रहा था। बाबा दिखते तो हो पागल, मगर बातें बड़ी रसीली हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम जिसके जो जी में आए, कोई शिव कहता है कोई शंकर, तुम चाहो तो भोला कह लो। भोला? क्यों बेटा, तुम्हारा हाथ दुख गया क्यों? चिंता न करो, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अच्छा तो मैं चलो। अजीब आदमी है, है? हाँ? अरे हाथ का दर्द तो सचमुच अच्छा हो गया। क्या नाम बताया? भोला शिव शंकर, शंकर शिव भोला, भोला शंकर शिव। क्या ओ आपने पुकारा? मेरे स्वामी तो घर नहीं है। जानता हूँ बेटी, स्वामी ने ही मुझे भेजा है। स्वामी ने? आइए, कहाँ है वे, कैसे हैं, अच्छे तो हैं? हाँ बेटी बहुत अच्छे हैं। ये गठरी तुम्हारे लिए भेजी है, और कहा है नीला से कह देना, इसमें से निकालकर अच्छे अच्छे कपड़े पहन ले, हम अभी आते हैं। तो अभी क्या संभाला ये गठरी? तुम कितने अच्छे हो बाबा, मैं उन्हीं की चिंता में डूबी थी। बाबा तुम कौन हो? मैं तुम्हारे स्वामी का चाकर हूँ, आज से उन्होंने मुझे अपना दास बना लिया है। दास? नहीं बाबा, तब तो तुमसे बेशक कोई भूल हुई है। ये लो, जिसके गठे है उसे दे आओ। भगवान मैं उन्हें कहाँ खोजूं, कहाँ पाऊं? नहीं बिटिया सुनो तो सही, ये दीना का घर है। हाँ? तुम नीला हो, ये चादर दीना के है ना? हाँ हाँ, ये चादर तो उन्हीं की है। तुम जो कहते हो सो ठीक है, मगर तुम उनके नौकर? उनका ही नहीं तुम्हारा भी, रमता जोगी बहता पानी, जिसने प्यार से रोक लिया उसी का हो गया। बाबा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जिसके जो जी में आए, कोई शिव कहता है कोई शंकर, तुम चाहो तो भोला कह लो। भोला? कैसा मनोहर नाम है, कहते ही रहने का जी होता है। बाबा मुझे अपने पांव छूने दो। अरे ये क्या करते हैं पगले, उठो बिटिया उठो। अच्छा तो अभी मैं चलो। अच्छा बाबा जाओ, मैं भोजन तैयार हूँ, उन्हें जल्दी भेज देना। नहीं नहीं तुम भी साथ आना भोले बाबा, यही भोजन करना है। मैं उन्हें भेजता हूँ, भोजन के लिए मेरी राह न देखना। नहीं नहीं सो कैसे होगा बाबा। या रानी तुम लोगों के खा लेने से ही मेरी तृप्ति हो जाती है, बूढ़ा हूँ ना। अच्छा तो चलो। मिले अमीरी अफकीरी मुझे डर क्या, शंभू करे रतवारी रे। मिले अमीरी
नसल में है प्यारी, मीठी मीठी चिंदगारी रे, ओ मिले उम्मीदी या फकीरी मुझे डर क्या, शंभु करी रखवारी रे। अरे भाई कौन हो तुम, यहां कैसे पड़े हो, उठो उठो, उठो। अरे भाई मेरा पैर पड़ जाता तो अच्छा होता। क्या हुआ बाबा, ऐसा क्यों कहते हो? चार दिन से भूखा हूं। चार दिन के भूखे हो? अच्छा हुआ भगवान ने मुझे आज शिकार दिया। बाबा ये लो, लो तुम्हारा भला हो। नीला, ओ नीला, नीला आगे ठहरो। नीला लो आप मुंह धो लो, रसोई तैयार है, प्रभु की दया। लो हेला, ये रसोई, ये कपड़े, ये सब चीजें कहां से आई, कहां से लाई तू? स्वामी हेला, भूखों मरने से मैं नहीं डरता, मुसीबत से मैं नहीं घबराता, संकट में सह सकता हूं। हेला अब तक तू बराबर मेरा साथ देती रही, पर आज आज तूने अपने मुंह पर खाली पोत कर मुझे कहीं का नहीं रखा। नीला नीला ये तूने क्या किया? नीला स्वामी आप क्या कह रहे हैं, क्या आपने अभी थोड़ी देर पहले अपने नौकर को मेरे पास नहीं भेजा? नहीं। क्या आपने स्वयं कपड़े लते नहीं भेजे और ये संदेशा भेजी मैं कपड़े पहन लूं आप आ रहे हैं, क्या ये सब झूठ है? झूठ है, झूठ है, हजार बार झूठ है। ठहरो कह दो कि ये चादर भी तुम्हारी नहीं है। ये तो मेरी है, इसे तुमने भोले को उड़ाया था। नीला ये यहाँ कैसे आई? वही तो जब से कह रही हूँ, भोला इसी में सब कुछ बांध कर लाया था। भोला? हाँ मैंने पूछा तो बताया तुम्हारा क्या कर है, नाम पूछा तो कहा भोला। भोला, भोला मेरा चाकर? ओ, भोले भोले, नीला भगवान हमारे दास बनकर आए, नीला तुम्हें भगवान के दर्शन हुए, तुम्हें भगवान के दर्शन हुए। क्या कहा, क्या कहा, भगवान के दर्शन? स्वामी फिर कहो भगवान के दर्शन। हाँ नीला प्रभु के दर्शन, प्रभु के देह से अंधेरा दूर हो गया, देखो चारों ओर कैसा उजाला है, इस अधम के द्वार प्रभु दास बनकर आए, सारा जगत जिनका दास अनुदास है वो हमारे दास बनकर आए, नीला हमारे दास बनकर आए। भोले भोले मैं आया, भोले मैं आया, भोले। आइए शास्त्री जी, बड़ी उम्र है आपकी है? नहीं तो रानी नहीं शास्त्री जी वो मतलब नहीं, मैं आपकी बात सोच रही थी कि आप आ गए। रानी क्या तुम सचमुच मेरी बात सोच रही थी? आपकी नहीं तो और किसकी बात सोच रही थी, जाइए आप बड़े वैसे हैं। रानी शास्त्री जी काका जी हाँ? काशी तू यहाँ, मैंने तुझसे कलश लेकर मंदिर में जाने की बात नहीं की थी?
आपने मुझसे कलश लेकर मंदिर में आपके पास आने की बात नहीं कही थी? तो ये क्या मंदिर है? आप दिखे समझा मंदिर ही होगा। मूर्ख कहीं का, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? जो देखा वही। चुप है। रानी तुम अपनी माँ से कल के उत्सव के बारे में कह देना। हाँ? उत्सव? कौन सा उत्सव शास्त्री जी? बेचारी समझी नहीं का। रानी तुम्हारी माँ को सब मालूम है, वो बता देंगे। चल काशी। चल बेटा काशी, भला तू अपने काका के साथ ये क्या बर्ताव करता है? अरे तू तो हमारे कुल का दीपक है, सोच तो सही, भला मैं ये माया जोड़ जोड़ कर किसके लिए रख रहा हूँ बेटा? अपने लिए काका जी, आपकी माया आप ही को मुबारक हो, मेरे लिए तो वो पाप का बोझा है। भोला बाबा कहते थे जिसका बोझा वही उठाए, दूसरा नहीं उठा सकता। हाँ। भोला बाबा? देख काशी, किसी साधु सन्यासी के चक्कर में मत पड़ियो, आजकल बहुत से पाखंडी धर्मात्मा बने फिरते हैं। हाँ हाँ, सो तो आपके साथ रहते रहते अच्छी तरह समझ गया हूँ काका जी। हाँ, काका की बात मानेगा तो मौज करेगा, नहीं तो जन्म भर दुख पाएगा। अच्छा तू मंदिर जा, मैं जल लेकर आता। काका जी मंदिर आप जाइए, मैं जल लेकर आता हूँ। मेरी वही बात, जा। काका जी आप इस तरह अपने कुल के दीपक को बुझा देंगे, शायद मंदिर में अभी तक वो बैठा होगा, तीर कमान लेकर। क्या बकता है, कौन बैठा होगा तीर कमान लेकर? वही किरात शिकारी। आपकी सौगंध खाकर कहता हूँ काका जी। ठीक है ठीक है, मैं अभी आकर उसकी खबर लेता हूँ। कौन जाने आप उसकी खबर लेंगे या वो आपकी, कहीं ऐसा ना हो कि तुम दोनों की खबर मुझे भी पड़े। कर नहीं ले गया। आह कैसी मीठी सुगंधी आ रही है। अरे ओ, कोई प्रभु को भोग लगा गया है, पर इतने सवेरे भोग लगाने कौन आया था? वो शिकारी? नहीं नहीं, वो तो भगवान की हड्डी पसली एक करने वाला था, वो भला क्या भोग लगाएगा। तो फिर काका जी, हरे हरे, ऐसा भोग चढ़ाते उनकी जान ही निकल जाएगी। वो तो अक्षत छींट के कहते हैं अक्षताम समर्पयामि, लो प्रभु इसी को समझ लो भोग। रुद्रदेव आप कैसे सहते हैं अनाचार। वंदे काशी भवान गंगा भवानी मणिकर्ण की, ओम हर 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 महादेव। सब हो गया रे काशी। काका जी ये ले। काका जी जरा धैर्य। महादेव महादेव। क्या है रे? ये सुंदर फूल, ये मोहन भोग, ये केसर भात, आह कैसी मीठी सुगंध है। क्या आप बड़े सवेरे आकर चढ़ा गए थे? और नहीं तो कौन चढ़ाएगा मूर्ख, ऐसा प्रसाद चढ़ाने की किसमें हिम्मत है। ला इधर दे। अच्छा, मगर इसमें से थोड़ा सा मेरे लिए भी रहेगा ना? देता है या नहीं? लीजिए। मांस? छी छी छी, इसे तो देखना भी पाप है, फेंक इसे चांडाल। वाह काका जी वाह, क्या बड़े सवेरे आकर प्रभु को मांस चढ़ा गए थे? फेंक, फेंकता ही या नहीं। राम भजो, ऐसा भोग मेरे बाप दादू ने सात जन्म नहीं देखा, आप इसे फेंकने को कहते हो? काशी। नहीं काका जी, फेंकूंगा तो मेरा जी टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ये केसर, ये बादाम, ये दाक, ये गाय का घी, आह मैं बताऊं, एक हिस्सा मेरा, एक आपका, एक काकी का,
और बहुत कहोगे तो एक रानी का, बाकी तेरी नानी का। पापी, देखता नहीं मंदिर अशुद्ध हो गया, अशुद्ध हो गया, अपवित्र हो गया। त्राहिमाम 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 त्राहिमाम। लगता है मंदिर में जंगली जानवर कोई घुस आया था। आप भी क्या कहते हैं काका जी, भला ये चकाचक माल कोई जंगली जानवर छोड़कर जाएगा? फेंक दे इसे। काशी, मंदिर में ताला लगाकर नहीं गया था तू? ताला कहां से लगा था? वो किरात जो बैठा था। किरात? मुझसे चालाकी? फेंक दे इसे और मुंह काला कर यहां से। काका जी, नहीं सुनेगा। मांस नहीं, चकाचक माल। नहीं काका जी, आपने छू लिया इसीलिए मांस हो गया। ये आपके हाथ की करामात है। तू नहीं मानेगा, नीच पाजी कुलानगर। काका जी, क्या किरात? तीर कमान लेकर खड़ा है। यूं कहां? वहां। काशी काशी काशी, शिव 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 शिव। ओ काशी, अरे बाप रे काशी, फिर भूत की तरह लिपट गया। नहीं भाई, मैं हूँ जिसके तुमने आंखें खोल दी। काशी, कितने अच्छे हो तुम काशी, मुझे से पापी का तुमने उद्धार कर दिया। हाँ भाई, तुम्हारे कहने से मैंने भोले से शिकार मांगा और वो मुझे मिल गया। आधा मैंने लिया और आधा भोले को दिया। तो क्या तुम ही मंदिर में मांस रखाए थे? हाँ काशी, मैंने अपना वचन पूरा किया। तुम्हारा नाम? दीना। दीना? किरात दीना? भोला नाम का तुम्हारा कोई नौकर है? क्यों मुझे लज्जित करते हो भाई, वो तो साक्षात भगवान थे। कितनी बार कितने रूपों में उन्होंने मुझे दर्शन दिए। मेरी नीला को भी उन्होंने दर्शन दिए, किंतु तब मैं अंधा था भाई। मैं भी अंधा था भाई, उन्हें देखकर भी नहीं पहचाना। हाय प्रभु, तुम्हें तभी आना था जब मैं गहरी नींद में सोया था। दुख न करो भाई, बिना प्रभु की कृपा के नींद टूटे भी तो कैसे, उनकी कृपा से तुमने मेरी नींद तोड़ दी। काशी काशी, तुम मेरे गुरु हो काशी। अरे अरे, मैं तुम्हारा गुरु? नहीं नहीं, गुरु तो तुम हो। मैं? अरे अरे, ये क्या कर रहे हो भाई? नहीं नहीं, तुम मेरे गुरु हो। तुम मेरे काशी? नहीं नहीं, तुम मेरे गुरु हो। काशी, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम मेरे गुरु हो काशी। क्या बात है, तबीयत अच्छी नहीं है? हाँ शास्त्री जी, इसे न छेड़िए, बड़ी बुरी हालत है इसकी। रुद्रदेव, कितनी उमंगे लेके चला था घर से, इस डाकिन बीमारी को आज ही आना था। श्यामा, तुम घबराओ नहीं, ये कोई प्रीत बाधा मालूम होती है, मैं अभी ठीक किए देता हूं। ओम फूल बसे, फूल बसे, रस बसे, रस बसे। हाँ, हीरे का हार। रुद्रदेव, अरे चुप भी रहिए शास्त्री जी, आपके मंत्र से क्या होगा? रानी की बीमारी का इलाज तो वो निगोड़ा हार ही हो सकता है। बच्ची वही कहते कहते इस हालत को पहुंच गई। हाय मेरी बच्ची। हार? मगर आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। कहते थे रानी के लिए आसमान के तारे तोड़ कर ला सकता हूँ, ये खार न दिया गया। क्या हाल हो गया लड़के का? कौन जाने अब क्या होगा मेरी बच्चे का। अच्छा अच्छा, ला देता हूँ, ला देता हूँ, मगर उसके बाद रानी अच्छी तो हो जाएगी। देकर ही देख लीजिए ना, हाथ कंगन को आरसी क्या। काका जी, काका जी, काका जी,
क्या है रे? अभी तू किरात किरात कहकर यहाँ से भागा था, फिर क्यों आया? नहीं काका जी, फिर वैसा नहीं करूंगा, भूल हुई। आप घर जाइए, अभी पूजा करके आता हूँ। आ रहा है कुछ रास्ते से। ला चाबी, ला चाबी। क्यों? पोथी निकालनी है, हर बात में टांग अड़ाता है। क्या हो गया रे तुझे? कुछ नहीं काका जी, आप घर जाइए, मैं अभी आता हूँ। रास्ता क्यों रोकता है? हट जा सामने से। हाँ? कौन है रे तू? मैं दीना। किरात। किरात? मंदिर को अपवित्र कर दिया तूने, नीच कहीं का। निकल यहां से, चल निकल यहां से। ऐसा न कीजिए काका जी। चुप रह, तू यहां क्यों आया था? भजन कर ले। है? भजन करने? तेरे बाप का घर है? प्रभु परम पिता है, उनका घर सबका घर। सच कहते हो भाई। चुप रह, इसीलिए तू मुझे भीतर नहीं जाने दे रहा था। क्यों? तुम दोनों मिलकर मंदिर में मांस रख गए थे। जी नहीं, भोग तो प्रभु को मैंने चढ़ाया था। नहीं नहीं काका जी, कोई जंगली जानवर खाते खाते छोड़ गया होगा। झूठ नहीं बोलते काशी भाई। वाह रे सत्यवादी हरिश्चंद्र। काशी, यह आदमी बड़ा नीच है, मैं इसे पहले से जानता हूं। तू मेरे साथ चल, हम दोनों मिलकर के इसे सबक सिखाएंगे। काका जी, आपकी आज्ञा मानकर बहुत पाप कर लिए, अब हमें छुट्टी दीजिए। काशी, मैं तेरा काका हूं। हूं नहीं, थे। न आज से आप मेरे काका हैं, न मैं आपका भतीजा। क्या कहा? अरे भोले, आज्ञा दो, ये आपके भक्त को दुख पहुंचा रहा है। अरे नहीं, अरे नहीं, ठहरो भाई ठहरो, तुम तो हंसी भी नहीं समझते। करो करो, जी भर कर प्रभु का भजन करो। ऊंच नीच सबको प्रभु का भजन करने का अधिकार है। करो 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 करो। काका जी, सत्य अधम के मुंह से निकले तो भी सत्य ही रहेगा। भोले आओ भाई। रानी श्यामा। आई है शास्त्री जी। रानी ये लो हार। आहा, जियो शास्त्री जी, जियो। बैठिए तो शास्त्री जी। नहीं नहीं रानी, अभी मुझे काम है, मैं फिर आऊंगा, फुर्सत से आऊंगा। तो जाइए, ले जाइए अपना ये हार। मैं हार नहीं चाहती, आप नहीं तो हार क्या क्या करूंगी। इसे कहते हैं लगन, ये है सच्ची प्रीत। मुझे जाने तो रानी, बेबस ना करो, रोकोगी तो रुक ही जाऊंगा। तो बिगड़ क्या जाएगा? बना बनाया खेल। अच्छा रानी, मैं चलूं। माँ, जादू वो जो सिर चढ़ के बोले। संसार तुम्हारा यहाँ वहाँ, अवतार तुम्हारा कहीं कहीं, प्रभु तेरे चरण पड़े जहाँ जहाँ, है तीर्थ हमारा वहीं वहीं। प्रभु तेरे चरण पड़े जहाँ जहाँ, है तीर्थ हमारा वहीं वहीं। जय
जग में सबसे न्यारी काशी है विश्वनाथ जिसके बासी, जग में सबसे न्यारी काशी है विश्वनाथ जी जिसके सर से निकली गंगा, अब तक उसके दो चरण रही, प्रभु तेरे चरण पड़े जहाँ जहाँ है तीर्थ हमारा वहीं वहीं। सदियों से अमर उज्जैन यहाँ है महाकाल को चैन जहाँ, जो काल बलि का भी स्वामी उस महाकाल का धाम यहीं, प्रभु तेरे चरण पड़े जहाँ जहाँ है तीर्थ हमारा वहीं वहीं। तीर्थों का राजा रामेश्वर शंकर को जहाँ पूजे रघुवर, तीर्थों का राजा रामेश्वर शंकर को जहाँ पूजे रघुवर, भगवान भक्त भगवान देव धरती पर ऐसा कहीं नहीं, प्रभु तेरे चरण पड़े जहाँ जहाँ है तीर्थ हमारा वहीं वहीं। ये काल हस्ती निर्मल नगरी भरी, नित जहां शंभु की गाथाएं भक्तों ने सुनी कवियों ने कही, प्रभु तेरे चरण पड़े जहां जहां है तीर्थ हमारा वहीं वहीं, प्रभु तेरे चरण पड़े जहां जहां है तीर्थ हमारा वहीं वहीं। आपका स्वामी पकड़ लो इसे। मुखिया जी सुनिए, काशी बड़ा भजन कर रहा है, चल। क्या है भाई? बाहर निकल। क्या है भाई? मुखिया जी पकड़ लो इसे। स्वामी क्या अपराध किया है मैंने? ये बता कि तूने क्या अपराध नहीं किया। नीच होकर मंदिर में घुस आया, मांस डालकर मंदिर को अपवित्र कर दिया और माता पार्वती के गले का हार चुराया। हार? क्या कह रहे हैं आप? भगवती के गले का हार मैंने चुराया? नहीं नहीं मुखिया जी, प्रभु के भक्त को पहचानो। प्रभु का भक्त? मुखिया जी मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ, ये पाखंडी है। हाँ हाँ शास्त्री जी, क्या मैं पाखंडियों को पहचानता नहीं हूँ? मैंने ऐसे कितने लोग देखे हैं जिनके मुख में राम और बगल में छुरी। आहा हा, बिल्कुल सच कहा। तेरा मतलब? मेरा मतलब मुखिया जी। हाँ हाँ ए देखते क्या हो, इसे पकड़कर पंचायत में हाजिर करो। भोले जो भगवान संसार के सारे बंधनों से मनुष्य को मुक्ति देते हैं, क्या उन्हें आप जात पात ऊंच नीच छुआछूत के बंधनों में बांधना चाहते हैं? प्रभु तो पतित पावन कहलाते हैं, उनके इस पवित्र नाम को झूठा न कीजिए मुखिया जी। मुखिया जी हम यहाँ अपराध का विचार करने आए हैं। हाँ हाँ इस पाखंडी की बकवास सुनने के लिए नहीं। पाखंडी? पाखंड आप किसे कहते हैं? मन को माया में भरमा कर भस्म लगाना और रुद्राक्ष पहनना क्या पाखंड नहीं है? काशी स्वामी 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 लीला हाय कैसी निठुराई से बांध रखा है। भाइयों मेरे पति को छोड़ दो, उन्होंने तुम्हारा क्या अपराध किया है? हमारा नहीं, न्याय धर्म और भगवान का अपराध किया है। और तो और मंदिर से भगवती पार्वती का हार तक चुरा लिया। नहीं नहीं ये झूठ है, ये कभी सच नहीं हो सकता। मैं भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ। जिसकी चोरी उसी की सौगंध, निकल जाए यहाँ से। नहीं मैं नहीं जाऊंगी,
आप लोग मुझे मार भले ही डालें, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ये क्या तमाशा मचाया है? ये पंचायत है, खेल नहीं। जाए यहाँ से। मुखिया जी, दया कीजिए, मेरे स्वामी कभी कोई छोटा काम नहीं कर सकते। अगर आपको दंड ही देना है तो मुझे जो जी चाहे सो दंड दे। मेरे पतिदेव को छोड़ दीजिए। पतिदेव को छोड़ दीजिए? मुखिया जी, अगर आप इसकी बकवास सुनते रहे तो फिर न्याय हो चुका। ठीक है शास्त्री जी, ए निकाल बाहर करो इस छोकरी को। स्वामी, स्वामी। जाओ नीला, भगवान पर भरोसा रखो। भगवान, बोले हे भगवान, एक सती साध्वी अबला पर ऐसा अत्याचार, उस दुखियारे की पुकार सुनकर भी आपका जी नहीं पसीजा, क्या यही आपका धर्म है? बढ़ाया धर्मात्मा की तुम। दुम? दुम तो मैं आपकी हूँ काका जी। काशी, तू नहीं मानेगा? शांत शास्त्री जी, शांत। हे किरात, तूने मंदिर में मांस डाल कर उसे अपवित्र कर दिया। मैंने भोले को मांस का भोग चढ़ाया था, ये सच है, किंतु मुखिया जी, जहां भगवान का वास है वहां अपवित्रता कैसी? क्या सांप के लिपटने से चंदन विषैला हो जाता है? क्या मुर्दे को जलाने से अग्नि अशुद्ध हो जाती है? क्या गंगा की धारा का महात्म्य किसी गंदे नाले के मिलने से कम हो जाता है? मुखिया जी, मैं तो एक मूर्ख अनपढ़ की राज शिकारी हूं, शिकार करके अपना पेट भरता हूं। भला मैं भोले के लिए अच्छे अच्छे भोग कहां से लाता? परंतु जिस तरह भगवान ने शबरी के झूठे बेर स्वीकार किए थे, उसी तरह मुझे विश्वास है कि मेरी प्रेम की दी हुई भेंट को भगवान नहीं ठुकराएंगे। मनुष्य प्रेम को ठुकराता है, भगवान नहीं। धन्य हो भाई दीना, धन्य हो। तू चुप रह काशी। मुखिया जी, ये पापी धर्म का अपमान कर रहा है, क्या आप इसे सुन सकते हैं? दीना, तूने अपना अपराध लिया है, किंतु तूने पार्वती देवी के गले का हार भी चुराया है, वो घोर अपराध है। मैं हार के विषय में कुछ नहीं जानता। इनकार करने से क्या होता है, जहां छुपाया हो वहां से ला कर दे, नहीं तो याद रख, जान से हाथ धोना पड़ेगा। मुखिया जी, हार दीना ने नहीं चुराया, किसी और ने चुराया है, अगर आप सही चोर का पता लगाना चाहते हैं। काशी, तू चुप नहीं रहेगा? नहीं, आज मैं चुप नहीं रहूंगा, जो बात सच है उसे जाहिर होना ही चाहिए। काशी, तू क्यों बार बार इस तरह अपने काका जी का अपमान करता है? सारा गांव जिनका पूजन करता है, ऐसे हैं श्री कैलाशनाथ शास्त्री, बिल्कुल गऊ। गऊ नहीं, सांड कहिए, सांड, जो सामने आने पर सिंह चलाता है और पीछे जाने पर लात, यूं। बस बस बस, हो चुका इस पंचायत में न्याय। ओम शंभु, शिवहर, रुद्रदेव, शूलपाणी, शंकर, प्रलयंकर, अभयंकर, कहां हो तुम? आज सत्य, न्याय और धर्म का गला घुट रहा है। ये पाखंडी अपने कुकर्म पर लीपा पोती करके हमारी आंखों में धूल झोंकना चाहता है। मुखिया जी, मैं समझ गया, आप न्याय नहीं कर सकते। हे महेश्वर, हे चंडेश्वर, हे भृंगीश्वर, हे नंदीश्वर, न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। शांत शास्त्री जी, शांत। अपराधी बातों से नहीं मानेगा, इसे ले जाकर पेड़ से बांध दो, और जब तक अपराध स्वीकार न करे इस पर कोड़ों की मार पड़ने दो, चमड़ी उधेड़ दो। क्यों पंच भाइयों, ठीक है ना? कहिए शास्त्री जी। क्या बात है मुखिया जी, दूध का दूध और पानी का पानी। नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा,
फिर ऐसा क्यों हो रहा है? घबराओ नहीं बेटी, मैं उनसे समझा कर कहूंगी। क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है? प्रभु मेरे स्वामी को बचाइए, पैरों पड़ती हूँ। जान डालनी, छू कर अपवित्र कर दिया। प्रभु ये हमारे जीने मरने का सवाल है, आप तो नहा धोकर पवित्र हो सकते हैं, लेकिन मैं अपने स्वामी को खोकर फिर कैसे पा सकूंगी? एक चोरी करता है और दूसरा मनाने आता है। चोरी नहीं देव, वो चोरी नहीं कर सकते। हम गरीब हैं, भूख से तड़प तड़प कर मर जाना जानते हैं, चोरी नहीं कर सकते। बड़ी ईमानदार बनने आई है, जा। आप समझाइए ना माता, बेटी। गौरी, मेरे सामने जान डालनी को स्पर्श। स्वामी। चल। इधर आ। बैठ। बैठ जा। जानती है तू इस अपराध की सजा? 3 दिन उपवास करना पड़ेगा तुझे। ना अन्न का दाना मिलेगा, ना पानी की बूंद, समझी? जी प्रभु, आंचल पसार कर मैं आपसे अपनी सुहाग की भीख मांगती हूँ। निराश ना कीजिए, एक बार उन्हें क्षमा कर दीजिए। जैसे भी होगा मैं उन्हें रोक लूंगी, कभी मंदिर न जाने दूंगी प्रभु। बस बस, जाती है कि नहीं? मेरा सुहाग लूट रहा है माँ, अपने बेटे का सुहाग बचाओ। ये बचाएगी तेरा सुहाग? ठहर जा, तू ऐसे नहीं मानेगी। आप ये क्या कहने जा रहे हैं स्वामी? छोड़ दे, छोड़ दे मुझे। ऐसा ना कीजिए स्वामी। गौरी कहिए, जानती है ये तू क्या कर रही है? अच्छी तरह जानती हूँ। क्या जानती है तू? कि पति को बुराई से रोकना भी पति की सेवा है। गौरी मैं कौन हूँ? पिशाचनी बोलती क्यों नहीं, मैं कौन हूँ? तेरा पति, साक्षात साक्षात देवता। जो आदमी भी न बन सका वो देवता क्या होगा? काशी। स्वामी, काशी। प्रभु। काका जी, आपका ये मुंह के बल गिरना किसी बड़े पतन की सूचना है, कहीं ऐसा ना हो। काशी तू चुप रह। प्रभु दया कीजिए, इस स्त्री के पति को छुड़वा दीजिए। गौरी तू भीतर जाकर बैठ, अपना चूल्हा चक्की संभाल, धर्म के विषय में बोलने की तुझे कोई आवश्यकता नहीं। स्वामी मैं धर्म के विषय में कुछ नहीं जानती, मगर सती को तो मुख देखते ही जान लूंगी, ये स्त्री सती है। तू चुप नहीं रहेगी पति द्रोहिणी? स्वामी आपके पाप पुण्य में मेरा भी भाग है, मैं आपको जानबूझकर अधर्म की राह पर नहीं जाने दूंगी, कभी नहीं। धन्य है काकी, धन्य है, मैं इसी दिन की राह देख रहा था। समझा समझा, तुम सब लोग मिलकर एक हो गए हो और मुझे नीचा दिखाना चाहते हो, मगर याद रखो कैलाश नाथ को नीचा दिखाने वाला अभी संसार में पैदा नहीं हुआ। प्रभु आप न जाए, कौन जाने मैं किस जन्म में किसी गृहस्थी के सुख का कांटा बनी थी, उसी पाप का फल भोग रही हूँ। आप न जाए, मैं चाहती हूँ मेरे कारण आपके घर की शांति नष्ट न हो। हट जा। स्वामी माता, आप साक्षात गौरी हैं, मैंने आपको जाने किस संकट में डाल दिया। नहीं बेटे, तुमने हमें बचा लिया, मुझे तुम्हारे चरणों में गिरने दो, एक भीख मांगने दो, मेरे पति को क्षमा कर दो। भरोसा रखो, वे कुछ भी कहें कुछ भी करें, मगर भगवान सबका कल्याण ही करेंगे। शास्त्री जी क्या बात है, क्या अपनी रानी से रुक गए? चुप भी रहो रानी,
आज मेरा मन ठिकाने नहीं। अच्छा देखो जी मेरे ओर, देखो जी मेरे ओर, मुस्कुरा भी तो दो, दिल चुरा भी तो लो, बुलाने से ना हो तो बुला भी तो लो, देखो जी मेरे ओर, देखो जी मेरे ओर, मुस्कुरा भी तो दो, दिल चुरा भी तो लो, बुलाने से ना आइए। मैं इस बच्ची को नाच की मुद्रा सिखा रहा था, प्रभु की बड़ी भक्त है। रानी दिखा तो दो मुखिया जी को वही मुद्रा। चूल्हे में गई मुद्रा। शास्त्री जी लोक लाज को भी न सोचा। क्या कहा? मुझ पर संदेह, मेरा अपमान? शंभो शिवा रुद्रदेव। शास्त्री जी, शास्त्री जी। शंकर महादेव कहां हो तुम? ये नरक के कीड़े तुम्हारे प्रिय भक्त कैलाश नाथ को कलंक का टीका लगा रहे हैं। नटराज, मैं आपको नृत्य संगीत की पवित्र पुष्पांजलि चढ़ा रहा था, श्रृंगार के उज्जवल रस से मैं आपके चरण पखार रहा था। हाय मुझ पर ऐसे क्षण में इन पापियों द्वारा व्यंग, संदेह, अपमान की बौछार। शंकर शिवहर रुद्रदेव। क्षमा करे शास्त्री जी, क्षमा करे, हमें आपके इस मूर्ख भतीजे ने भ्रम में डाल दिया। नहीं नहीं, इस घोर अपराध के लिए इस तरह क्षमा नहीं मिल सकती। भक्त का अपमान हुआ है, स्वयं काल हस्तीश्वर इसका विचार करेंगे। आज सायंकाल तुम सबको प्रभु के मंदिर में आकर रुद्रदेव की वाणी सुननी होगी। जो नहीं आएगा, शंकर की क्रोधाग्नि से त्रिलोक में उसकी रक्षा नहीं होगी। मुखिया जी ये सब बकवास है, पाखंड है। काशी एक और रुद्रदेव। शास्त्री जी अब हमें आज्ञा दीजिए। शास्त्री जी जाओ,
ओ शास्त्री जी, ये अब क्या होगा? क्या होगा? भरा सत्यानाश। श्यामा इधर आ। रानी इधर आओ। ओम मृत्युंजय शंकर शूल पाणी हर हर महादेव शंभो शिव हर रुद्र देव त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। अच्छा प्रभु अच्छा, किंतु इन पापियों का चित्त संदेह से पिकल है। देव बोलो, प्रभु बोलो, अपने महामौन को भंग करो। ओम नीलकंठ शंभो, ओम कैलाशपति। क्या चाहता है प्रिय भक्त, तू क्या चाहता है? भूत पापीश्वर, मैं क्या चाहता हूँ? कुछ नहीं, बस इन पापियों के हृदय के अंधकार को दूर करो, इन्हें ज्ञान की ज्योति दिखाओ, इनके संदेह जाल को छिन्न भिन्न कर डालो। प्रभु जो कैलाशनाथ अग्निहोत्र के समान पवित्र है, ये लोग उसी पर कलंक का कीचड़ उछाल रहे हैं। देव कौन कलंक लगा रहा है मेरे भक्त पर? क्षमा करो प्रभु। ठहरो, जगत पिता माता पार्वती का कंठार चुराने वाला कौन है? दीना, किरात दीना। ओ रुद्रदेव रुद्रदेव रुद्रदेव। महाराज महाराज, हमसे आपका अपराध हुआ है, प्रभु आज्ञा दीजिए दीना को यहाँ लाकर अभी उसका बलिदान दिया जाए। ठहरो, कंठहार का चोर दीना नहीं, स्वयं शास्त्री कैलाशनाथ है। काशी काशी, तू कहाँ है? अभी आया काका जी, मुखिया जी। रही कैलाशनाथ शास्त्री के कैलाश की कुंजियाँ। माँ मैं काशी, ये क्या है? ये वही, चल चल। अरे छोड़ा, चलो चलो छोड़ा काशी। काका जी काशी। श्यामा रानी, सच कहने में डरती क्यों हो? साफ साफ कहो, काशी तुम्हें जबरदस्ती यहाँ लाया था ना? बस बस बहुत हो चुका शास्त्री जी। ओम रुद्रदेव। माँ चुप रख रानी। शास्त्री जी माना कि हमने बहुत पाप किए हैं, प्रभु हमें क्षमा नहीं करेंगे, किंतु पाप के भी हद होती है। श्यामा। मुखिया जी, हार चुराने वाला आपके सामने है, आओ। और क्या, किसी ने कंठहार चुरा कर हमको दिया। कहाँ है कंठहार? कंठहार कहाँ है? घर पर है, मैं अभी लाकर देती हूँ। ठहरो नरक के कीड़ों, मैं अभी तुम सबको अभिशाप देता हूँ। ओम रुद्रदेव। बंद कर, तुमने बहुत दिनों गांव के भोले भाले लोगों की श्रद्धा का लाभ उठाकर धर्म का ढोंग रचकर उन्हें धोखा दिया। अब तेरी कलाई खुल गई है, तेरे पाप का भांडा फूट गया है। देखते क्या हो, पकड़ लो इसको। दया की उलझनों को हैरान कैसे समझे, ज्ञानी जिसे न जाने नादान कैसे समझे। संसार जुल्म करता मालिक का नाम लेकर, भगवान तुम न आए इंसान कैसे समझे। जग को न सर झुकाता बंधन न मानता हूँ, धरती गगन में मैं तो शंकर को जानता हूँ। इतनी न लो परीक्षा भगवान मान जाओ, ओ काल हस्ती वाले कैलाशनाथ आ। Thank you.
को तो तेरा नाम लेने से है वास्ता, भगवान तेरा प्यार है कांटों का रास्ता, भगवान तेरा प्यार है कांटों का रास्ता। तेरे दीवाने को सारा जग धूल जैसा है, हर कांटा तेरे बाग ही के फूल जैसा है, कांटों से प्यार है तो फूलों से क्या वास्ता, भगवान तेरा प्यार है कांटों का रास्ता, भगवान तेरा प्यार है कांटों का रास्ता। गंगा पहुंची सागर तक चट्टानों को चूम के, पाई मैंने भी ज्योति अंधेरे में घूम के, गंगा पहुंची सागर तक चट्टानों को चूम के, पाई मैंने भी ज्योति अंधेरे में घूम के, तुम साथ ना रहते किनारे नैया ना आती, तुमको पाकर मैंने सारी दुनिया ही ठुकरा दी, तुमसे छुड़ाने वाली दुनिया से क्या वास्ता, भगवान तेरा प्यार है कांटों का रास्ता, भगवान तेरा प्यार है कांटों का रास्ता। बुलाया जिसे वो मेरे हो गए, वो मेरे हो गए, जो नैन तुम्हें देख पाए तेरे हो गए, नादान दुनिया की नादानी से तुम ही खेलो, मुझको तो पापों से छुड़ा के चरणों में ले लो, तुम छोड़ जाओगे तो जीने से क्या वास्ता, भगवान 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 तेरा प्यार है कांटों का रास्ता, भगवान तेरा प्यार है कांटों का रास्ता, भगवान। तुम्हारी आंख में आंसू भोले भोले, किस दुख से तुम्हारी आंख बह उठी? क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ है? क्या संसार की अनिति और अधर्म में तुम्हें रुला दिया? कि संसार के अन्याय और अत्याचार को तुम अपनी आंसू से धोकर बहाना चाहते हो? क्या तुम अपनी भूली भटकी संतानों के लिए रो रहे हो? विश्वास से अंधी, पाप से मरीन और देश से जंजर है। अब भोले भोले रोको रोको रोको, अपनी आंसू की धारा को रोको, मुझसे देखा नहीं जाता, मुझसे सहा नहीं जाता। भोले भोले, क्या नहीं रुकेगी? नहीं रुकेगी तुम्हारी आंसू की धारा, नहीं रुकेगी। भोले मैं तुम्हें कैसे अच्छा करूं? भोले कैसे अच्छा करूं? ना ना ना, जो भव रोग को अपनी कृपा दृष्टि से पल भर में दूर करते हैं, उनके रोग को भला मैं क्या अच्छा करूंगा? भोले मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, भोले मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, भोले मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। कर सकता हूं भोले, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। ठहरो भोले, तुम्हारी आंख की जगह मैं अपनी आंख लगा सकता हूं। ये लो मेरी आंख। ओ भोले, भोले अब तो ठीक है ना? भोले भोले, तुम्हारी दूसरी आंख में भी आंसू, अब मैं क्या करूं? भोले तुम्हारी दुश्मन में पल भी नहीं देख सकता, मेरा हृदय फट रहा है भोले। मेरा दिन अधूरा था, छोड़ो, ये लो मेरी दूसरी आंख, इसे भी ले लो और अपनी शांत और कोमल दृष्टि से सारे संसार को निहारो, कल्याण की वर्षा करो। भोले मेरी थोड़ी भी चिंता मत करना,
मेरी आंखें तुम्हें देखकर ही जुड़ा गई, धन्य हो गई, सार्थक हो गई, और क्या नहीं देखना बाकी है भोले। ये लो, ये लो। तुमने हमारे हृदय को जीत लिया। हे नैनों के दाता, आज से संसार तुम्हें भक्त कन्नप्पा कहकर पुकारेगा। भक्त कन्नप्पा, मेरी दिव्य कांति तुम्हारी आंखों में सदा निवास करेगी। Hmm.